पकेगा ना, गिराना मत। बस 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 ऐसा हेयरकट करना है कि रास्ते में आती लड़कियां पड़ जाए, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड राम के लिए ना एक गाना गाएंगे। मैं मेरो नाम हो राम खसी न भए भात खा, मेरो नाम हो राम खसी न भए भात खा। तो अभी जो है ना बज चुके 11:11। वाह व्हाट ए विश टाइमिंग मैन। आज जो है ना मतलब कि हेयरकट करने का सीन है, तो आज हेयरकट करने जाएंगे। तो सोचा कि बहुत दिनों से घर से व्लॉग नहीं किया ना, तो आज सोचा कि क्यों ना घर से व्लॉग किया जाए। तो वही कुछ सीन है एंड रूम बहुत ही मैसी है। तो राम और आपका डी वाई जो है ना अभी घर से निकलेंगे। वही कुछ सीन है मैन। तो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल डी व्लॉग्स भाई भाई। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस मोटर व्लॉगिंग सेटअप मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ, अभी बस घर से निकलना है। एंड आज जो है ना 2-3 काम है, तो वही करने का सोच रहा हूँ एंड व्लॉग भी करने का सोच रहा हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पे राम है आज, राम मौके खाम। एंड आज जो है ना गाइस आज हम KTM को रख के जो है ना V3 लेके जाने का सोच रहे हैं, बिकॉज इसको जो है ना हमने बहुत दिनों से चलाया नहीं है, समझ रहे हो। तो आज सोचे कि इसको चलाते हैं, लेट्स गो मैन। आप लोग देख पा रहे होंगे वैगन्स, ये हमारा KTM 390 एंड ये है पुराना वाला V3। तो मेरा ना गाइस ड्रीम है कि ये जो पार्किंग है ना इसमें पहले V3 रहेगा, फिर 390 रहेगा, फिर 0900 रहेगा और भी काफ़ी सारे बाइक्स है। तो जब 0900 खरीदूंगा नेक्स्ट बाइक फिर से रिवील करूंगा, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग जो है ना गाइस ये वाला जो बेस प्लेट मैंने लगाया ना के बारे में लास्ट ब्लॉग में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई कहाँ से लिया क्या लिया। तो ये जो है ना गाइस बाइकर बुलेट से हमें मिला था, तो आप लोग भी जो है ना उन लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल से जाके ले सकते हो। एंड ये जो देखो मैन नीचे में देखो मैन ये जो है ना बहुत ही घाट करेगा मैन आपका नीचे का, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैन ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो ये जरूर लगाना मैन। चलो अब निकलते, बस एक बार में स्टार्ट हो जाए मैन, नहीं हुआ तो पोपड़। V3 मैन जितने दिन भी स्टार्ट ना करो स्टार्ट हो ही जाता है वन सेल्फ में। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, बट नो विंड ब्लास्ट। यहाँ पे हर जगह मामा है मैन, स्लो डाउन करना पड़ा, नहीं तो मैं सोचा था कि भाई बहुत दिनों बाद V3 को फाड़ रहे हैं तो अच्छे से फाड़ा जाए। अरे यार मामा जी यहाँ पे आया है लौंडा, भांजा आया तभी भी रोक दिया मैन। V3 का ना मैन अलग मजा है, क्या ही बोले, पर वही है कि मैन 390 चला के अभी V3 चलाया ना तो थोड़ा पावर जो है ना बहुत ही लैग लगा, नहीं तो भाई उस पे तो झटका महसूस होता है, झटका। चलो ये बाइक जो है ना V3 जो है ना गाइस एरोडायनेमिक है ना, तो इसके लिए जो है ना 100+ मतलब कि 100 110 120 130 140 में भी चलो तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन जब आप 390 में चलाते हो ना क्योंकि वो पूरा नेकेड है तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है ना कि पूरा शरीर मतलब पूरा पीछे खींच देता, समझ रहे हो। 130-140 लेके जाओगे ना तो पूरा आपको मतलब ऐसा पकड़ के वो करना पड़ता है, तो इसमें ये चीज़ अच्छा है। एंड इसका जो है ना गाइस V3 का थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, सर्विसिंग करना है, तो ये सब हम कुछ दिनों में करेंगे। फिलहाल जो है ना 390 इतना पेट्रोल पी रही है कि भाई उसको पिलाते पिलाते अपना दिन जा रहा है। ऊपर वाले के दुहा रहा तो भाई एक दिन जो है ना कहा से कि ज़ेरॉक्स टेनर जरूर लेंगे मैन। मैं ना मतलब कि घर से Insta360 लेके आया एंड सोचा कि भाई आगे पे मिरर पे लगाऊंगा, मैं भूल चुका हूँ कि मैन इसमें जो है ना ये मैंने जब से ज़ेरॉक्स टेनर वाला जो मिरर लगाया है ना तो इस पे जो है ना वो एंगल एक लगाना पड़ेगा। चलो चलो फटाक से पहुँचते हैं, हेयरकट करते हैं मैन। अरे भाई तो बंद है क्या, क्या ही बोले गाइस, इतने दिनों बाद मुहूर्त निकाल के जो है ना हेयर कट करने का सोचा था पर दुकान ही बंद है मैन, अब कुछ दूसरा दुकान ढूंढना पड़ेगा यार। वहाँ पे जो है ना 70 रुपीज़ में अच्छा से हेयर कट हो जाता है एंड मतलब बाकी जगह में भाई 150-200 लेते हैं, तो इतना पैसा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, हम गरीब है। तो अभी देखते हैं मैन, इधर ही उधर लोकल शॉप में काटना पड़ेगा। एंड चलो मैन अपना और एक काम पेंडिंग है तो वही काम पे जाके आते हैं। एंड अभी का सीन क्या है गाइस, मुझे जो है ना घर का गेट के लिए कुछ फूल वगैरह का डिजाइन वगैरह लेना है, तो यहाँ पे बेलतला चाराली पे जो है ना एक दुकान है मतलब कि ग्रेट वगैरह का बड़ा दुकान है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके अगर मिलता है कि नहीं, अगर मिल जाता है तो वो सब ले लेंगे एंड लेके जो है ना लगाना पड़ेगा मैन गेट में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
भाई हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम। जी जिसके पास बाइक है वो तो ठीक ही है, लेकिन गाड़ी वाला का क्या हाल होता होगा वो तो उन लोग ही जानते हैं मैन, क्योंकि हम लोग बाइक से गाइस छोटा मोटा सा गैप मार के निकल सकते हैं ना। यही वाला शॉप है, क्या ही बताएं मैन, इतना ट्रैफिक वगैरह में चीड़ फाड़ के आया यहाँ पे सामान मिलेगा बोल के और अवेलेबल ही नहीं है मैन। पहला काम हेयर कट था वो भी नहीं हुआ, एंड दूसरा काम वो सामान लेना था वो भी नहीं हुआ मैन, अब क्या ही कर सकते हैं यार। एंड 390 ने ना मेरा एक आदत और बिगाड़ दिया है, वो है कि मतलब नहीं उसका TFT स्क्रीन जो है ना उसमें टाइम भी दिखाता है तो इसमें टाइम नहीं दिखाता है, तो मुझे जो है ना ऐसा करके घड़ी देखना पड़ता है मैन। कितना बज गया, 12:07, वाह। तो गाइस तो हेयर कट भी हो गया है, एंड मतलब भैया जी को मैंने बोला कि भाई ऐसा हेयर कट करना कि रास्ते में आते लड़कियां पड़ जाए, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लेट्स गो मैन। तो मेरे भाई को आज मैंने अच्छा खासा घुमाया मैन। चलो अब यहां से सीधा घर में चलते हैं एंड फ्रेश फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, एंड देन लेट्स सी मैन। लगता है मुझे आज जो है ना मॉन्की डिटेलिंग जाना पड़ेगा, कुछ तो काम है मेरा, एंड देन लेट्स सी क्या होता है मैन। बैठ जा भाई। जब हम लोग छोटे थे ना तो मतलब कि जब पापा लोग बाइक लेके निकलते थे कहीं जाते थे तो मतलब पापा के पीछे पीछे हम लोग घूमते रहते थे ना कि भाई पापा कहीं निकल के जाएंगे तो हमें भी लेके जाएंगे, बाइक में बैठने को मिलेगा, ऐसा शौक था छोटे में। तो इसीलिए भाई मेरा जो कज़न भाई है ना राम, वो कितना दिन से मेरा पास साथ मतलब बैठा हुआ था, घूम रहा था, कह रहा था कि भाई कहीं एक राइड दे, मुझे राइड दे। तो मैंने सोचा चलो मैन आज इसको लेके जाते हैं, एंड मेरा भी कुछ कुछ काम भी हो गया एंड इसको भी घुमाना हो गया। गेट खोल दे राम। चलो मैन वेलकम बैक टू होम। देखो इसको देखो, बाइक मिलते ही मतलब कि क्रेजी हो जाता है ये। चलाना है क्या? चलाना है क्या? दे आगे बढ़, सकेगा ना, गिराना मत। बस 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 बस, इसको गैस इतना ही आता है अभी तक जो है ना इसको इतना ट्रेनिंग दिया मैंने वहां से यहाँ तक, अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग देंगे। चलाना है रोड पे, चलाना है। चलो हो गया बंद कर बस। तो आज के लिए इसका ट्रेनिंग इतना ही मैन, वहां से यहाँ तक। हाँ स्टैंड लगा, तो बिना स्टैंड का रख के फिर इसके अंदर गिरा दे, लगाया स्टैंड। हो गया, तो पार्किंग से अभी आ चुके हैं घर पे, एंड हेयर स्टाइल जो भाई ठीक ठाक है और क्या ही बोले, चॉइस नहीं था तो इसलिए हमें करना पड़ा वहां पे जाके। एंड अभी जो है ना हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं गाना, एंड राम के लिए ना एक गाना गाएंगे मैन। लेट्स गो राम, आर यू रेडी? और टेबल को थोड़ा इग्नोर मारो गाइस, बहुत ही गंदा है आई नो, पर क्या ही कर सकते हैं मैन। चलो मैन, ए ए, ये अगर राम गाएगा तो कैसे गाएगा मैन, वो सीन है। कौन इधर आ, मेरा नाम हो राम, ए ए ए ए ए, मेरा नाम हो राम, खसी न भए भात खा, मेरो नाम हो राम, खसी न भए भात खा, माछा पनि खान्छु मैले, मासु पनि खान्छु, मासु मात्रै खाएर मैले हड्डी पनि फेक्छु। ए ए, लिरिक्स इतना ही है गाइस, अभी तक बना नहीं है गाना जो है ना, अभी तक फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी तक इतना ही बनाया है और हम बनाएंगे धीरे धीरे। मतलब कि ये म्यूजिक मेरे को नहीं लगता फ्री म्यूजिक है, कहीं कॉपीराइट ना लग जाए मैन। तो राम कैसा लगा तेरे को गाना? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? तो गाइस यही छोटा मोटा सा हम लोगों ने फ्री स्टाइल किया था, मतलब कि ऐसे ही और टाइम पास कर रहे थे, समझ रहे हो। तो अभी का सीन क्या है गाइस, मैं जल्द से जल्द जाता हूँ, देखो भाई मेरा हालत क्या है। तो अभी जाके जो है ना जल्द से जल्द नहाना पड़ेगा, फ्रेश हो जाता हूँ हेयर कट करके। एंड ये जो मैंने जो फ्री स्टाइल किया वो जस्ट नेपाली में किया मैन, बिकॉज ऐसे ही और मैं नेपाली में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ना, तो इसके लिए हिंदी में भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ स्टोरी दे दो तो आपके लिए भी एक गाना बना दूँ मैं ऑन द स्पॉट गाना बना सकता हूँ, समझ रहे हो। ए ए, दिस इज साहिल, हम लोग जा रहे हैं, दिस इज पियानोस, पियानोस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, आज भाई का बर्थडे है। तो अभी का सीन क्या है गाइस, फ्रेश फ्रेश होके नहा धो सब ले लिया, हां सच में बना रहे लोग, मजाक सोच रहे हैं। तो अभी का सीन क्या है गाइस, घर पे फ्रेश फ्रेश होके नहा हुआ के फ्री स्टाइल रैपिंग करके दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, नहीं है आज हेयर कट किया, नहाना तो पड़ेगा ही ना भाई, ये नहीं बनता। तो अभी का सीन क्या है गाइस, अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, क्योंकि आज जो है ना हमारे पियानोस का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल पार्टी करने के लिए। एंड पार्टी करने का जो जगह पे जा रहे हैं ना वो प्लेस का हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, समझ रहे, दिस इज अ प्राइवेट पार्टी, पूल पार्टी चल रहा है यहाँ पे। कहाँ पे, विवंता में है ना? नहीं, चिवंता, चिवंता, चिवंता में जा रहे हैं हम लोग। तो चिवंता में, चिवंता का जो रूफ टॉप है ना वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, वहीं पे हम लोग ने पानी जो है ना वहाँ पे पूल पे जो पानी रहता है ना, पानी को भी हम लोग ने वो गर्म करने बोल दिया है, तो वहाँ पे बैठ के वाइब करेंगे। तो देखते हैं मैन
अभी जा रहे हैं, कुछ ब्लॉग आज होगा या कल कंटिन्यू करेंगे? नहीं, नहीं आज होगा, होगा जरूर होगा, जरूर होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा दिलाता हूँ आप लोगों को, आज का ब्लॉग जरूर कंटिन्यू होगा। वहाँ पे जाके सबसे पहले यही कुछ खोल देगा, उसके बाद कुछ ब्लॉग ही नहीं होगा। मिल लोगों का माइलेज देखो कितना दिखाता है, 64 दस दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं 64 एवरेज, एवरेज वो एवरेज दिखा रहे हैं, फ्यूल एवरेज वही वाला 10 का एवरेज दे रहा है, इससे ज्यादा तो मेरा 390 देता है 20।